तिरंगे में लिपटा रतन टाटा का पार्थिव शरीर एनसीपीए ग्राउंड लाया गया। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। टाटा संस के मानद चेयरमैन रतन टाटा अब नहीं रहे, उनका 66 साल की उम्र में निधन हो गया। कंपनियों की स्थापना भी की, टाटा को काफी आगे बढ़ाया और टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन भी रहे वो। तो ये रतन टाटा ने बुधवार रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। यहां उन्हें कुछ दिन पहले उम्र संबंधी दिक्कतों की वजह से भर्ती कराया गया था। बुधवार रात ही उनके पार्थिव शरीर को अस्पताल से घर लाया गया। अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स हॉल में रखा जाएगा। पद्म भूषण से अगर भारत सरकार ने उन्हें सम्मानित किया, दो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं, पद्म विभूषण 2008 में और पद्म भूषण 2000 में उनको सम्मानित किया गया है, तो ये भी उनके योगदान की पहचान है। जी बेशक, उनके योगदान की पहचान है जो हमेशा हमेशा के लिए। यहाँ गुरुवार सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। इस दुनिया ने एक दिलदार शख्स को खो दिया, अमेरिकी राजदूत गारसेटी। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने रतन टाटा के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि भारत और दुनिया ने एक दिलदार शख्स को खो दिया है। जब मुझे भारत में अमेरिकी राजदूत चुना गया था तो भारत से रतन टाटा ने ही सबसे पहले मुझे बधाई दी थी। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया के बोर्ड के सदस्य के तौर पर मेरे होम टाउन के लिए बहुत काम किया। उन्होंने इस दुनिया के लिए बहुत काम किया है। दोस्तों, वो इस दुनिया से जा चुके हैं। जैसे कि आपने कहा, वो एक जाने माने एंटरप्रेन्योर तो थे ही, उसके साथ साथ एक बहुत बड़े दिल वाले फिलैंथ्रोपिक थे। तो ये काफी छाप छोड़ी है। फिलैंथ्रोपिस्ट, बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट थे, लोगों की मदद करने में हमेशा आगे रहते थे। इसीलिए अगर भारत का उद्योग जगत कह रहा है कि वो उनकी स्मृतियों में हमेशा बहुत आगे रहेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये चीज तो एक बात तो और साफ है कि रतन टाटा के नेतृत्व में ही टाटा ग्रुप ने, टाटा समूह ने बड़ी बुलंदियों को छुआ था। 1991 में टाटा समूह के चेयरमैन बने थे, तब से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना टाटा समूह ने पीछे मुड़कर देखा। वो लगातार इस पद पर बने रहे और टाटा TCS का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जैसी कंपनियों की स्थापना भी की, टाटा को काफी आगे बढ़ाया और टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन भी रहे वो। तो ये और अब जो पद्म विभूषण और पद्म भूषण से अगर भारत सरकार ने उन्हें सम्मानित किया, दो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं पद्म। दोस्तों, रतन टाटा ने आत्मा ने शांति के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।